मुहर्रम का त्यौहार आया है, इसमें जो है आज पता चला कि आज क्षेत्र से पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, क्या उसमें कोई समस्या आई? अगर आई तो उसका समाधान आपने कुछ सुझाव दिया, इस पे मैं आपसे जानकारी जानना चाहता हूँ। आज जो है मुहर्रम के संबंध में थाना मनियर के सभी ताजियादारों और संभ्रांत व्यक्तियों को पीस कमेटी बैठक में बुलाया गया था। इस बैठक का उद्देश्य यह था कि उनके यहाँ अगर कोई विवाद हो या कोई समस्या हो वो हम लोगों को अवगत करा दें, जिससे समय रहते ही दूर किया जा सके। कोई बहुत बड़ी समस्या जो है ताजियादारों के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं बताई। छोटी छोटी समस्याएं थी कि मार्ग में कहीं जैसे कुछ पेड़ लटक उनकी डालियां लटक रही हैं, या कहीं पर चौक है वहाँ पर किसी की गुमटी रखी हुई है, तो इनको बताया गया कि जिस संबंधित व्यक्ति से बात करके उन्होंने कहा कि उस दिन के लिए वो लोग हटा लें और वो जो जिनकी डालियाँ हैं उसको अगर उसको भी कि इनके ताजिया जो है सही ढंग से वहाँ निकल सके उनसे बात कर उसका भी समस्या का समाधान। इस तरह की कोई और समस्या आई, जैसे मिट्टी सातवीं तारीख को जो पूरी जाती है, मैंने मिट्टी कोड़ने पे कोई इस तरह का मतलब विवाद कहीं नहीं आया कि हमारे यहाँ मिट्टी कोड़ने में ये परेशानियाँ होती है, इस तरह की कोई चर्चा आपके यहाँ हुआ? मिट्टी कोड़ने को लेकर कहीं परेशानी की बात नहीं, कहे कि वहाँ पर जहाँ से मिट्टी उठाई जाती है वहाँ पर कोई समस्या नहीं है, वहाँ से मिट्टी उठा अपना जहाँ जाना चाहेंगे उस मार्ग में भी कोई व्यवधान की स्थिति नहीं। मैंने आज की बैठक जो है शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने अपना सद्भाव की भावना जो है इस कमेटी की बैठक में देने का काम किया। दोनों पक्षों के लोगों ने कहा कि वो सद्भावपूर्वक शांतिपूर्वक मिलजुल कर यहाँ पर इस ताजिया को निकालते हैं, पहले भी निकालते थे और आगे भी उसी तरह और इस बार भी उसी तरह। छोटी मोटी समस्या है उसको हम आज की कमेटी में बैठ कर उसको हल हाँ वही।